नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में मैं निर्मल सिंगला आपका स्वागत करती हूँ। सर्दियों का मौसम चल रहा है, खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है। मैं आपके सामने गुड़ और मूंगफली की गच्चक बनाने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में इस रेसिपी से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम मूंगफली, 250 ग्राम गुड़, आधा चम्मच देसी घी, सौंफ ऑप्शनल है। एक कढ़ाई लें, उसमें मूंगफली डालें और मूंगफली को रोस्ट कर लें। तो मूंगफली को माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं। कढ़ाई में मूंगफली को चलाते रहें ताकि मूंगफली जल न जाए। अब मूंगफली का एक दाना उठा कर देखें, अगर छिलका अच्छी तरह उतर चुका है तो मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। अब मूंगफली का छिलका उतार कर दो हिस्सों में मूंगफली को खोल लें। गुड़ को चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। ऐसा करने से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। एक कढ़ाई में दो चम्मच पानी डालें और गुड़ डाल दें। ऐसा करने से गुड़ जलता नहीं। गुड़ को लो गैस पर चलाते हुए मेल्ट कर लें। गुड़ मेल्ट हो गया है। गुड़ की चाशनी को चेक करने के लिए एक बाउल में थोड़ा पानी लें और कुछ ड्रॉप्स चाशनी की डाल दें। चाशनी को ठंडा करके देखें, अगर चाशनी खिंच रही है तो चाशनी को और पकाना है। अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है, अब चाशनी को थोड़ी देर और पकाना है। चाशनी तैयार है या नहीं इसको चेक करने के लिए एक बाउल में पानी लें और कुछ ड्रॉप्स चाशनी की डालें। अब चाशनी आसानी से टूट रही है, इसका मतलब चाशनी तैयार है। अब इसमें मूंगफली डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें। अब मूंगफली के मिक्सचर में आधा चम्मच घी डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें। अब आप स्लैब पर देसी घी लगा दें और मिक्सचर को इस पर ट्रांसफर कर दें। देसी घी लगाने से मिक्सचर स्लैब पर चिपकेगा नहीं।
मिक्सचर को हाथों से इकट्ठा कर लें। अगर आपको मिक्सचर गर्म लगे तो आप हाथों पर पानी भी लगा सकते हैं। अब एक बेलन पर देसी घी लगाकर उस मिक्सचर को बेल लें। अब एक गिलास से आप गोल आकार में निशान बना दें। आप इसे मनचाहे आकार में काट सकते हैं। दस मिनट के बाद ठंडा करके आप इसे काट लें। आपकी गच्चक तैयार है। अब मैं आपको वो ज़रूरी टिप्स दूंगी जिसकी बात मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कर रही थी। मूंगफली का छिलका उतारने के लिए खलबट्टे में थोड़ी मूंगफली डालें और हल्की हल्की चोट करें, जिससे मूंगफली का छिलका भी उतर जाए और मूंगफली भी खुल जाए। मूंगफली भी खुल चुकी है और छिलका भी उतर गया है। अब मूंगफली से छिलका अलग करने के लिए एक छलनी में मूंगफली डालें और हल्के हल्के हाथों से हिलाएं। छिलका भी अलग हो जाता है और मूंगफली भी अलग हो जाती है। इस ट्रिक से छिलका चारों तरफ नहीं फैलता और आसानी से बाउल में इकट्ठा हो जाता है। गुड़ वाली कढ़ाई को साफ करने के लिए उसमें दो गिलास पानी डालकर उबाल लें और स्पैचुला की मदद से साइड से गुड़ उतार लें। इस ट्रिक से गुड़ आसानी से उतर जाता है और कढ़ाई भी बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ हो गई है। वीडियो और टिप अच्छे लगे हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।